हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और इसके आगे के क्वेश्चंस को। और इसके पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था पिछले वीडियो लेसन में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं उस वीडियो पर। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या कहा गया हम लोग समझेंगे। देखिए, लीना हैज 117 रुपीज, ओके, इन द फॉर्म ऑफ 5 रुपी कॉइन एंड 2 रुपी कॉइन। तो दो तरह के सिक्के हैं, पहला तो 5 रुपये का सिक्का है और दूसरा 2 रुपये का सिक्का है उसके पास। और टोटल कितना अमाउंट है? टोटल है 117 अमाउंट। ओके, ये हम लोग देख लिए। अब कहा जाता है कि नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द 5 रुपीज़ कॉइन। मतलब 2 रुपीज़ कॉइन्स की जो संख्या है वो 5 रुपये के कॉइन की संख्या के 4 गुना है। ओके, ये कहा गया है। तो हम लोग मान लेंगे, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी क्वाइन इज एक्स। ओके, तो नंबर ऑफ 2 रुपी क्वाइन क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स दैट ऑफ द 5 रुपी क्वाइन। तो 5 रुपये का जो क्वाइन है वो कितना है अपना? 5 रुपी का वन कितना? एक्स। तो उसका 4 गुना कर देंगे, 4x। ओके, तो ये अपना हो गया 2 रुपी क्वाइंस। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सम कितना? 117। तो हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं 117। ओके, और ये कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे रिलेशन डेवलप करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि 5 रुपी जो क्वाइंस हैं उसकी कितनी संख्या है? एक्स पीस है। ओके, और एक क्वाइन का क्या वैल्यू होगा? एक क्वाइन का वैल्यू होगा 5 रुपीज। तो x और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू निकल जाएगा। उसी तरह से हम 2 रुपीज कॉइन के टोटल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसकी संख्या कितना है? 4x। ओके, और एक कॉइन का वैल्यू क्या होगा? 2 रुपीज। तो हम ये टोटल अमाउंट पे पहुंच सकते हैं और अपना रिलेशन डेवलप हो गया है। अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4 2 8x। ओके, और ये हो गया 117। अब हम ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 8 अपना ऐड होके क्या होगा? 13x। ओके, और 117। देयर फोर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? आप देखिए, 117 डिवाइड बाई 13। ओके, और 13 के टेबल में कितना बार में आ रहा है? तो ये आता है 9 टाइम्स में। ओके, तो इट मीन्स एक्स का वैल्यू अपना आ गया है। मतलब एक्स क्या लिए थे हम लोग? 5 रुपी क्वाइंस। तो 5 रुपी क्वाइन कितने हो गए? टोटल 9 पीस हो गए। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ क्वाइंस ऑफ 2 रुपीज। तो देखिए क्या हो गया अपना, नंबर ऑफ 5 रुपी क्वाइंस कितने हो गए? 9। ओके, और नंबर ऑफ 2 रुपीज क्वाइन क्या हो जाएंगे? तो 4x। तो इसका मतलब हो गया 4 × 9, दैट इज 36। ओके, तो 36 पीस है 2 रुपीज क्वाइन और 9 पीस है 5 रुपीज क्वाइन। ये हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी तरह से है, हम लोग देखते हैं। कहा गया है अ टोटल ऑफ रुपीज 80,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 200 persons। 200 persons में बांटना है कितना रुपीज को? 80,000 रुपीज को। ओके, एज अ प्राइज इज आइदर ऑफ रुपीज 500 और रुपीज 100। तो जो प्राइस का वैल्यू होगा वो या तो 500 रुपये का होगा या तो फिर 100 रुपये का होगा। और टोटल कितने प्राइज होंगे? 200 प्राइज होंगे। तो हम लोग को निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ ईच प्राइजेज। मतलब 500 रुपये के कितने प्राइस थे और 100 रुपये के कितने प्राइस थे। ओके, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ रुपीज 500 प्राइजेज इक्वल टू एक्स। देयर फोर नंबर ऑफ 100 रुपये प्राइजेस क्या हो जाएंगे? तो टोटल प्राइज में हम जो 500 रुपये का प्राइज है उसको माइनस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा? 100 रुपये वाला प्राइज आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम पहुंच गए। आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 500 रुपया का कितना प्राइस है? एक्स पीस है, प्लस आप देखिए 100 रुपये का कितना प्राइस है? 200 - x। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये टोटल वैल्यू क्या देगा अपना? तो 80,000। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बन चुका है अपना। ये हो गया अपना 500x। ओके, और यहाँ से देखिए, यहाँ मल्टीप्लाई होगा अपना, तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जा रहा है अपना 20,000। ओके, और फिर यहाँ माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, और ये वैल्यू अपना 80,000। चलिए हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग देख रहे हैं ना, ये x इसमें है और इसमें x है, तो एक साथ ये हाँ सम हो जाएंगे।
तो इसके साथ दोस्ती हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये अपना ये बच जाएगा 400x। ओके, सिंपल सा था, हम लोग माइनस कर लिए। और ये अपना जो है 20,000, इसको राइट साइड ले जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोजिशन का काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 80,000 में 20,000 हम लोग माइनस कर लेंगे, तो ये अपना क्या हो जाएगा, देखिए 400x और ये अपना 60,000। ओके, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अपना गौर कीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा 60,000 डिवाइड बाय 400। अब आप डिवाइड कर लीजिए तो क्या आ जाता है, देखिए 4, यानी कि 15 4 जा 60 हो रहा है। ओके, तो ये 60 और 10 अपना, यानी कि 150। तो एक्स का वैल्यू अपना आ गया है 150। इसका मतलब ये हो रहा है कि 500 रुपये का जो प्राइस था वो 150 पीस है। ओके, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं अब नंबर ऑफ प्राइजेज ऑफ वैल्यू 100 रुपीज। तो नंबर ऑफ रुपीज 500 प्राइजेज, यानी 500 रुपये के जो प्राइस थे उसकी संख्या कितनी होगी, 150, और 100 रुपये के प्राइस की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 में हम लोग 150 को माइनस कर लेंगे तो 50। ओके, तो ये अपना हो गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बातें हैं। कहा गया है कि 1/3 एक नंबर से माइनस कर लिया जाता है। ओके, बाद उसके बाद डिफरेंस जो आता है ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो क्या रिजल्ट आ रहा है अपना, 28। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, मान लेते हैं लेट द नंबर इज एक्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम आ जाते हैं, क्योंकि एक्स में 1/3 को माइनस किया गया है, लिख दिया हुआ है 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड। ओके, 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आ गया है उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अपना रिजल्ट क्या आता है, 28। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया अपना 4x। ओके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और फिर ये इसके साथ, तो ये हो गया अपना 4/3। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लें, यहाँ पे 28 है, अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 28 है और ये ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं, मतलब 4/3 को राइट साइड ले रहे, तो ये क्या हो गया अपना, +4/3। ओके, चलिए अब हम कर लेते हैं अगला स्टेप, ये अपना 4x हो गया और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम 3 आएगा, और ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 से, तो क्या होगा अपना, ये हो जाएगा 84 और ये प्लस में अपना 4, तो क्या हो गया, 88/3। चलिए हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4, हम 4 को हम राइट साइड ले जाते हैं, तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, अब 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो अपना क्या होगा, ये 4 से डिवाइड हो रहा है तो अपना 22 दे रहा है। ओके, तो ये हो गया मेरा 22/3, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 एज प्रॉब्लम है, तो हम लोग बहुत ही इजी वे में इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या कहा जाता है, सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा। ओके, तो हम लोग सीमा का एज मान लेते हैं एक्स, तो सुदेश का एज क्या हो जाएगा, ट्वाइस है तो 2x। ओके, फिर आगे कहता है इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा सा एज, सीमा के एज में 6 ईयर सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर लीजिए, ये देखिए कर दिए हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। अब आगे क्या कहता है, 4 ईयर एडेड टू सुदेश एज, तो सुदेश का एज क्या है, 2x, इसमें 4 ईयर ऐड कर लीजिए। ओके, सुदेश विल बी 4 टाइम्स सीमा सा एज, तो सीमा का एज का 4 गुना हो जाएगा, कौन, सुदेश। इक्वेशन मेरा बन गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा अपना, यहाँ 4x माइनस ये हो गया 6 4 जा 24 और ये हो जाता है 2x+4। आगे चलिए हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो गया 4x और ये 2x और 4 और ये +24। ओके, ये हम लोग यहाँ पे ना 2 को लेफ्ट साइड लिए और 24 को राइट साइड लिए, यानी कि ट्रांसपोजिशन किए हुए हैं, तो अपना क्या हो गया, ये 2x=28, देयर फोर x=28/2, दैट इज 14। ओके, तो x का वैल्यू आ गया मतलब 14 ईयर, तो सीमा का एज क्या हो गया, 14 ईयर्स, क्यों, क्योंकि सीमा का एज हम लोग x माने थे और x का वैल्यू आ गया है 14। ओके, अब यहाँ देखिए सुदेश का एज क्या हो जाएगा, चूंकि सीमा के एज का डबल है, 2x है, तो यहाँ पे 14
हाँ ईयर्स हम कर ले तो ट्वाइस द एज ऑफ सीमा, तो सुदेश का एज हो गया 14 × 2 यानी कि दैट इज 28 ईयर्स। ओके अब 3 ईयर्स अगो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया, हाउ ओल्ड दे वर 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले उनकी उम्र कितनी हो? हाँ थी, ये हम लोग को निकालना था, तो हम लोग 3 ईयर्स माइनस कर दिए हैं, तो 14 − 3 दैट इज द 11 ईयर्स। ओके तो 11 ईयर्स की होगी, थी कौन, सीमा, और सुदेश कितना का था, तो 28 − 3 दैट इज 25 ईयर्स, और दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके बहुत ही इजी वे में हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में अपना एज प्रॉब्लम ही है। ओके तो हम लोग इसको भी बहुत इजी सॉल्व कर लेंगे। आइए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एजेज ऑफ लीना एंड हिना आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। ओके तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट लीना सा एज इज 7x, देयरफॉर हम इस और हिना का एज क्या है तो 5x मान लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जाता है 10 ईयर हेंस। ओके तो 10 ईयर हम दोनों में ऐड कर लेते हैं, तो ये 10 7x + 10 हो गया, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 7:9:7। तो आइए हम रेशियो ले लें, तो इसका एज में फिर हम लोग ऐड कर लें 10, अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा 9:7। ओके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इक्वेशन मेरा बन चुका है, तो ये हो जाता है 49x और ये हो जाता है 70, और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 9×5=45x और ये 9×10=90। हम लोग यहाँ क्या किए हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके और कैसे किया गया है, तो इधर से इसका और इसका इधर से मल्टीप्लीकेशन किया गया। ओके और ये अपना आ गया, अब यहाँ पे हम ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, तो ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये अपना 49x और 45 लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में 45x 90, और राइट साइड 70 को ले जाते हैं तो माइनस में 70, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा तो 4x और ये माइनस कर लिए तो 20, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20/4 दैट इज 5। ओके x का वैल्यू 5 आ चुका है, अब हमारा एज आ गया, देखिए लीना का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 7×x यानी कि 7×5 दैट इज 35 ईयर्स। ओके और यहाँ पे हम अगर हीना का एज की बात करें तो 5×5 दैट इज 25 ईयर्स, तो ये अपना हो गया फाइनल आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट है और ये भी एज प्रॉब्लम है, तो आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया है देखिए विकास इज 3 ईयर्स ओल्डर देन दीपिका, तो दीपिका का एज हम लोग एक्स ईयर मान लेते हैं। ओके तो विकास क्या हो जाएगा 3 ईयर्स ओल्डर है, तो 3 इसमें ऐड कर लेते हैं यानी कि x+3 ईयर्स हो गया विकास का एज। ओके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाता है, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की बात हो रही है, विकास का एज वाज 4 टाइम्स दीपिका का एज, तो 6 साल पहले की बात हो रही है, तो दोनों में हम लोग 6 वर्ष को माइनस कर लेते हैं, देखिए। ओके हम लोग 6 वर्ष को माइनस कर लिए, अब गौर कीजिएगा विकास का एज वाज 4 टाइम्स दीपिका सा एज, तो दीपिका सा एज ये है अपना, इसका 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 टाइम्स, हाँ किसका एज का, तो विकास का एज का, विकास का एज के इक्वल हो गया, इक्वेशन बन गया, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और अपना आंसर भी आ जाएगा। देखिए ये हो गया 24, आप यहाँ से एक्स और ये हो गया अपना 3, चूंकि ये माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा और कितना हो गया अपना माइनस में 3। चलिए ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, तो 4x और x को लेफ्ट साइड ले आए तो माइनस में, और ये अपना -3, 24 को राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस में 24, और ये अपना हो गया 3x और यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है 21, तो देयर फोर एक्स का वैल्यू क्या हो गया 21/3 दैट इज 7 ईयर्स। ओके तो एक्स क्या था अपना दीपिका, दीपिका को उम्र कितना आ गया 7 ईयर्स, हम लोग लिखेंगे हैंस दीपिका सा एज इक्वल टू 7 ईयर्स और विकास का एज क्या होगा, चूंकि यहाँ पे देखिए 3 ईयर्स ओल्डर है तो हम लोग इसमें से 3 ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है आप गौर कीजिए, ये हो जाता है 10 ईयर्स। ओके तो ये अपना हो गया फाइनल आंसर, और इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं आज वर्कशीट 2 के। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद अदर्स एंड डू सम कमेंट, और हाँ अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।